अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, के हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं, खैर खैरियत से हैं। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उससे होगा क्या कि चैनल पर जो भी नया व्लॉग अपडेट करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सकेगी और आप लोग हमारा व्लॉग देख सकेंगे और इंटरटेन हो सकेंगे। मैं जी अभी इस वक्त खड़ा हूँ कमेला मंडी में। 2024 का जो सीज़न है वो भरपूर तरीके से आप लोगों को एंटरटेन करवाया, आप लोगों को एंजॉय करवाया और बड़ा अच्छा एक सीज़न गुजरा आप लोगों के साथ। आप लोगों ने बड़ा प्यार मोहब्बत और बड़ी सपोर्ट की और उम्मीद है आप लोगों ने बड़ा एंजॉय किया होगा। और ईद के जो व्लॉग्स थे वो चैनल पर क्यों नहीं आ सके, क्योंकि ईद मेरा एक दूसरा चैनल भी है जो तैयब रज़ा व्लॉग्स के नाम से है, जो ईद के व्लॉग्स हैं, कुर्बानी के भी, फिर डेली व्लॉगिंग भी। आप लोग डेली व्लॉगिंग एंटरटेन होना चाहते हैं उसे तो मेरे दूसरे चैनल पर जाएं, वहाँ पे चैनल को जाके उसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे देता हूँ। अब ये है कि 2025 का सीज़न स्टार्ट करने लगूँ, पहली वीडियो 2025 के सीज़न की मैं अपलोड करने लगूँ चैनल पर, आप लोगों को दिखाने लगूँ। और यह है कि डेली व्लॉगिंग रेगुलर चलती रहेगी, इधर ये भी आपको रेगुलर बेसिस पे क्या नाम है मंडी से अपडेट करता रहूँगा, कमेला मंडी, बड़ियाना मंडी और इस बार हम जो शहर से बाहर की मंडी है वो भी एक दो ऐड करेंगे, उधर भी हम विज़िट करते रहेंगे और आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे कि शहर से बाहर जो मंडियाँ लगती हैं दूसरे शहरों में उनकी क्या सूरत हाल है, उधर क्या अपडेट्स हैं, उधर क्या रेट्स चल रहे हैं। तो अभी तो मैं कमेला मंडी में आके खड़ा हूँ, इधर तो माल अभी बिल्कुल भी नहीं है, जो किसी का बच गया है वो खड़े हैं यहाँ की हकीके आला माल या सबके आला माल थोड़ा बहुत खड़ा है, वो आपको दिखाऊंगा। और बस ये है कि आप लोग इसी तरह प्यार करते रहें, सपोर्ट करते रहें और मेरा जो दूसरा चैनल है उधर भी जा इसी तरह प्यार करें, सपोर्ट करें। फिर से बताता जाऊँ, तैयब रज़ा व्लॉग्स, ठीक है, उधर जा मुझे चैनल को सब्सक्राइब करें और उधर भी इसी तरह मतलब के सब्सक्राइबर जो है ना बढ़ाते जाएँ, फैमिली मेम्बर्स ऐड होते जाएँ और आप लोगों को ज़्यादा एंटरटेन कर सकूँ मज़े किधर वीडियोस शेयर करता जा रहा हूँ, आगे भी फ्यूचर करूँगा, इस चैनल पे भी करूँगा। तो चलिए अपनी आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो में जी आपको छोटे साइज़ के पहाड़ी बकरे दिखाऊँगा, ठीक है, और बाकी ओवरऑल विज़िट करेंगे कमेला मंडी का, के जानवर काया खड़े हैं, के बाड़े बांध हैं, क्या सीन है, ये सारा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलें अपनी आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। 8 किलो, 10 किलो, 12 किलो मीट वाले पहाड़ी बकरे हैं और कईयों के बाल कटे हुए हैं, कई और इसी साइज़ में तकरीबन सारे हैं और रेट अभी भी ईद वाले हैं, 35,000, 40,000, 45,000, ठीक है, 10 किलो, 12 किलो, कुछ इससे बड़े भी हैं, कुछ बीच में, लेकिन कम से कम 30,000 रुपया जो है ना डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप देख लें, ये देखें पहाड़ी बकरे छोटे से, इसमें खीरे भी होंगे धोने, पहाड़ी इतना इतना भी धोंदा निकल आता, लेकिन ये आपको इसी तरह के मिक्स मिलेंगे, ये सारा सदक़े वाला माल इस्तेमाल जो लोग करते हैं सदका देते हैं उसके लिए, ठीक है। ये भी पहाड़ी, इसके बाल काटे हुए हैं, इधर भी ये दो बैठे हैं, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, ठीक है, सारे एक जितने हैं। आप कहेंगे ना कोई बड़ा इसमें निकला है, बड़ा जानवर इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। ये भी देखें इधर, ये जी रेस्ट टाइम हो रहा है, दो ये अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, 30,000 से 45,000 तक जी जो है ना डिमांड्स हैं, लेकिन ये बड़े भी हैं ना मेरे हिसाब से 15-16 हज़ार रुपये में मिलने वाले जानवर हैं, ठीक है, 14,000, 15,000, 16,000 इतने में आप खरीद सकते हैं, ठीक है, ये इतने में खरीदने बारे में इससे ऊपर तो ये बहुत महंगे पड़ेंगे क्योंकि अभी माल कोई नहीं है मंडी में। ये देखें सारे जानवर इसके पास इसी तरह के हैं, ठीक है, ये अरे इधर एक ये पहाड़ी एक ये भी खड़ा, तो रेट जोन से है ना वो आपको बता दें, 30,000, 35,000 ये पहाड़ी प्यारा है, ठीक है,
हैवी बस नहीं है, कार थोड़ा उतना ही है, लेकिन है गोल मटोल पहाड़ी है। ठीक है, तो 20-25 दाने खड़े हैं। हाँ सब बता रहे हैं कि और कोई 5-6 दिनों तक माल आना शुरू होगा दोबारा से। अभी ये जो इनके पास बचा हुआ माल पड़ा ना, ये वो 18,000 इसको खड़ा कर रहे हैं। ये देखो सारे जानवर ना इसी साइज के, इसके पास कोई बड़ा जानवर नहीं है। चल खड़ा हो, तू ही खड़ा हो, इसको भी खड़ा करते हैं। ये जी ये देख लो, एक ही साइज के, कोई 19-20 होना है, कोई सेहतमंद है कोई पतला है, कद में कोई फर्क नहीं है। कोई कहोगे कद में बड़ा खड़ा है, इधर कोई बड़ा छोटा नहीं है, सारे तकरीबन ऑलमोस्ट एक जितने हैं। 30,000 से 45,000 तक रेन, लेकिन मेरे हिसाब से तो जो गोल मटोल है उसका से 40-45 मांगना है। जो इस तरह ये जो वाइट है ना, जैसे बखियाँ बड़ी हैं, स्लिम स्लिम लग रहा है, ऐ कोई 30-35 हज़ार या ये वाली चीज़ें जो जिनके बाल कटे हैं, ये 30-35 हज़ार और ये मांगना। और ये बड़े भी बकरे ना 14,000, 12,000, 13,000, 14,000 हद 15 नहीं तो 16, इसी ऊपर के ये बकरे नहीं है जितने ये बकरे इधर लेके बैठा हुआ। तो ये पहाड़ी बकरे ये थोड़े से खड़े हैं, बाकी आपको मंडी की अपडेट देते हैं। ये देखें सारे बाड़े जो उनसे हैं ना इधर हाली खड़े पड़े हुए हैं, ताले लगे हुए हैं, व्यापारी अभी तक आए नहीं वापस। ये सामने साइड भी हाली है, इधर हाली, ठीक है, ये भी सारी साइड हाली, इधर ताला लगा हुआ है, कोई बंदा नहीं है ना जानवर है कोई। इधर मंडी के अंदर चलते हैं ज़रा, मैं आपको मंडी के अंदर से अपडेट देता हूँ कि मंडी के अंदर आज क्या सूरत हाल है। ये देखो जी बाड़े खाली पड़े हुए हैं जी, कोई जानवर नहीं है। इधर एक बकरी खड़ी है बस, वो भी लागर फंडर बकरी, खाली बाड़े जी, कोई जानवर नहीं है। इधर भी खाली बाड़े, फिर ये भी सारे बाड़े खाली बाड़े हैं, कोई माल नहीं है। ये जी ब्रीडर एक अच्छा खड़ा मक्खी जीना, ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह सोना ब्रीडर खड़ा है, ब्रीडर अच्छा है, फेस ब्यूटी भी अच्छी है इसकी। ये बाड़ा भी खाली है जी, इधर इस बाड़े में 2-3 बकरे हैं, ये जी क्रॉस करा रहे हैं बकरी को, ठीक है, ईद पे आई हुई है बकरी। ये देखो जी ये भी एक बकरा खसी खड़ा है, एक कांडला, एक ये भी फंडर बकरा खड़ा, हड्डियाँ का टांचा, बड़ा बकरा लेकिन हड्डियाँ का टांचा, ठीक है। इस साइड पे भी ये बच्चे खड़े हैं, मतलब बड़ा माल कोई भी नहीं है, बड़े हाल माल ही है। ये कीके वाला सदके वाला माल जो सा ना वो ये यहाँ पे आपको मिलेगा, वो नीचे दो खूबसूरत बच्चे बैठे हुए हैं खुरली के नीचे, ये देखो ये देखो माशाल्लाह। ये इधर वाला तो ये गुलाबी है और प्रिंट अच्छा है, खूबसूरत प्रिंट है। और ये दो बकरे इधर भी, तो आगे चलते ज़रा, मंडी सारी हाली है, बाड़े सारे बंद हैं इस टाइम, ठीक है। ये भी इधर भी देख लो आप, ये मज्जों का डेरा, डेरा बा मज्जें खड़ी हैं उनकी, बाकी आगे भी चलते हैं। ये भी बाड़ा है, इधर अंदर वो जानवर खड़ा है, वो दिखाता हूँ आपको। ये जी इधर भी छोटे उसी साइज़ के पहाड़ी खड़े हैं, ठीक है, किक्के वाला माल, सदके वाला माल, ठीक है। ये देखो ये सारे छोटे साइज़ के पहाड़ी, इधर रेडिन का भी सेम, एक वो देसी सिंधी खड़ी खड़ा, पता नहीं बकरा है कि बकरी है, ठीक है, लेकिन वो छोटा सिंधी सिंधी बकरा खड़ा है। इधर एक बड़ा बकरा खड़ा, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखे माशाल्लाह मुझे मक्खी चीना, क्या बात है, बड़ा ही सोना लेला है, अंडा ला, लेकिन लेला बड़ा खूबसूरत है, इसको ज़रा
अंदर बांधा हुआ है उन्होंने, जाने की जगह नहीं। लेकिन मैं आपको खड़ा करके दिखाता हूँ, बकरा बड़ा बेहतरीन है, झालर बड़ी अच्छी है व्यू बकरे की। नकोड़ा देख रहे हैं उसका, क्वालिटी वाला बकरा है, नकोड़ा बहुत क्वालिटी का इसका। बाकी जानवर ठीक है, बेहतरीन है, अच्छा जानवर है। बाकी इधर माल ये थोड़ा सही है, ये बस अभी माल आना है बड़ा, ये भी हाल ही बड़ा हुआ। तो आगे चलते हैं, अभी इतना सही माल है बस इधर सारे बाड़े में। ये सिंधी वाला बाड़ा है, ठीक है, टोटली सारा हाल ही है, ये कुंडी लगी हुई है और कोई माल नहीं अंदर। तो ये बस थोड़ा सा माल था पूरे कमेला मंडी के अंदर जो मैं अगर, चलो चक्कर लगाते हैं, आप लोगों को अपडेट भी कर देते हैं क्या सीन है मंडी में। आप लोगों ने देख ही लिया कि माल बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बस जो बच गया होगा वही बस पड़ा हुआ, नया माल कोई भी नहीं आया। बाकी सारे बाड़े, आधे से ज़्यादा बाड़े तो अभी हाल ही पड़े हैं कि उधर माल ही कोई नहीं है, व्यापारी नहीं आया अभी माल लेके, अभी खत्म जो हुई है तो हफ्ता डेढ़ लाख जगह माल आते आते अभी। ये थी जी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर कमेला मंडी हमने आज विज़िट किया और आपको अपडेट किया कमेला मंडी से। माल अभी बिल्कुल बहुत कम है, माल आए नहीं और जो आया था उसके थोड़े बहुत रेट दिए, पहाड़ी बकरों के देसी बकरे एक आधा ही बीच में था। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। 2025 का सीज़न मैंने स्टार्ट कर दिया, पहली वीडियो मेरी 2025 के सीज़न की, और अब थ्रू आउट आपको अगली तक मैं मंडी से अपडेट करता रहूँगा, डेली बेसिस पर अपडेट करता रहूँगा। आपको बताइए, मैं सीजनली काम नहीं करता, मैं पूरा साल थ्रू आउट मंडीज की जो अपडेट है ना वो देता रहता हूँ चैनल पे। ये जो मेरे मुझे पुराने देखने वाले हैं उन सबको पता होगा कि बडयाना मंडी कमेला मंडी पूरा साल रेगुलर बेस पे अपडेट आती है इन दोनों मंडियों की, सियालकोट की। लेकिन इंशाल्लाह इस बार कोशिश करूँगा कि जफरवाल मंडी की भी ना हम अपडेट आपको देते रहें। बाकी है कि अपना जो शौक है वो अभी तो जानवर खरीदे नहीं, और उम्मीद है इस साल मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो है ना शौक जो है ना वो पूरा साल करूँ, लेकिन अभी तो स्टार्ट फौरन बाद नहीं, लेकिन यह है कि अभी महीना दो तीन महीने तक देख रहे हैं कि सेटअप बनाते हैं, बकरे कौन से डालने हैं, किस तरह के डालने हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी इन फ्यूचर चैनल के ऊपर। तो मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे करता हूँ एंड, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक मुझे इजाज़त, अल्लाह के बाद, अल्लाह हाफिज़।